एक हाथ में शावरमा, एक हाथ में गोटी सोडा। ये तो चिकन शावरमा आपने जगह जगह पे देखा होगा, लेकिन प्राउन शावरमा आपने कहीं नहीं देखा है। मेरे चैलेंज है, देख रहे हो सब्सक्राइबर, ये है मुंबई के अंदर सीख पराठा खाने का तरीका। ढेर सारा पुदीना, ढेर सारा नींबू, ढेर सारा प्याज और उसके साथ में हरी मिर्ची की चटनी, एकदम अलग अलग छूंदा छूंदा है, देख रहे हो। और वैसा वाला रोल जो है मैंने आज तक जोगेश्वरी तो क्या पूरे मुंबई में कहीं पे भी नहीं खाया। चिकन टिक्का मोया रोल, चिकन एग रोल, में पहली बार मुंबई में भेजा इसलिए मैंगो 50 रुपए में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अयाज बरकाती और जायकों की दुनिया में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं इस वक्त पूरी काशिफ के साथ जोगेश्वरी में हूँ, जो इसका होम टाउन भी है। तो हम लोगों ने, आपको पता है कि रमजान से पहले महावीर नगर कांदिवली को एक्सप्लोर किया था। आज मैं मेहमान बन करके पूरी काशिफ के पास आया हूँ जोगेश्वरी के अंदर, और यहाँ पे आज हम स्ट्रीट फूड को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। जो कंटेन करेंगे वो हम एक्सप्लोर करेंगे। काशिफ क्या प्रोग्राम बनाया आज का? अयाज भाई इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहेगी कि आपको सबसे क्या बोलते हैं आप उर्दू में, आज मैं कोशिश करूंगा यार मैं आपके टूर में थोड़ी बात करूं कि मैं ना चाहूंगा कि आपको एकदम अलग अलग चीजें ट्राई करवाऊं जोगेश्वरी की, जो मेरी बहुत ही खास स्पेशल चीज है। तो अभी बिना किसी देरी के स्टार्ट कर दे, अपन शुरू करें। यार मैं यहाँ तो काशिफ क्या है इधर? यहाँ पर मिलता है आपको सबसे बेस्ट वाला सीख पराठा मिलेगा यहाँ पर। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जोगेश्वरी का बेस्ट? डेफिनेटली बोल सकते, गारंटी उसकी। तो फिर चखे, एग्जाम ले, इसका टेस्ट करें। जरूर जरूर। और क्या क्या मिलता है इधर सीख पराठे के अलावा, और क्या फेमस है तुम्हारे पास? पराठे के अलावा अपने पास तंदूरी है, लेग पीस है, खिचड़ा है, मलाई सीख बिरयानी है, अग्नि पुलाव है, दम बिरयानी है। यार ये मलाई सिख बिरयानी का क्या फंडा है यार, वहाँ पे भी वो एक बहुत फेमस है, और ये मतलब क्या जोगेश्वरी में जगह जगह पे है क्या मलाई सिख बिरयानी बहुत चलती है क्या? ठीक है, तो फिर अपन क्या ट्राई करेंगे आज? सिख पराठा, ठीक है दोस्त, सिख पराठा दीजिए। और इसके अलावा आप बताइए और क्या, और रिकमेंड कीजिए आप? और पुलाव खाइए। पुलाव का नाम क्या है? अपनी पुलाव, मुरादाबादी, मुरादाबादी पुलाव। तो दोस्तों चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसे ही मुझे सर्व होता है मैं आपसे कनेक्ट होता हूँ। ओहो, ये आ गया पुलाव, ये है सीख पराठा। अरे दोस्त लेकिन सीख पराठा तो तुमने दिए, लेकिन इसका इसकी जान नहीं दिया यार। कांदा, पुदीना, नींबू, चटनी, इसके बिना अधूरा है मुझे, उसके बिगर अधूरा है, उसके बिगर सीख पराठा खा के कोई फायदा नहीं। तो क्या नाम है? नौशाद सीख पराठा, ये विनाबाद। देख रहे हो सब्सक्राइबर, ये है मुंबई के अंदर सीख पराठा खाने का तरीका। आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो सीख है और ये रहा पराठा, लेकिन ये सीख पराठा खाने का मजा तब आएगा जब आपको इतना ढेर सारा पुदीना, ढेर सारा नींबू, ढेर सारा प्याज और उसके साथ में हरी मिर्ची की चटनी, इसके बगैर ये खाने का मजा नहीं है। तो फिर छोटे मियां शुरू करें? यस डेफिनेटली, पहले सीख पराठा देखा। सीख पराठा देख लेते हैं। एस भाई नींबू निचोड़ लो। पहला बाइट सब्सक्राइबर को शेयर करना चाहिए मुझे लगता है। जो लफ्ज तुमने इस्तेमाल किया कि जोगेश्वरी के अंदर सबसे बेस्ट सीख पराठा है, मैं समझता हूँ बिल्कुल सही कहा तुमने, क्योंकि अगर इसके अंदर मैं कुछ दम ढूंढूं, इसके अंदर कुछ नुक्स ढूंढूं तो मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, एकदम बेस्ट और एकदम परफेक्ट है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर लेके आया, सबसे बेस्ट। गुड दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है। यहाँ पे जो मुझे मिला है ये बिरयानी मिली है और ये मुरादाबादी पुलाव है। तो पहले मैं मुरादाबादी पुलाव जो है इसके साथ जो ये चटनी है टमाटर की, उसके साथ चख के देखते हैं कि क्या है, कैसा लग रहा है मुझे। यूपी का मशहूर और मारूफ जो है एक शहर है मुरादाबाद, उसके नाम के उसकी निस्बत से ये बना है। एकदम ये जो चावल आप देख रहे हो एकदम अलग अलग छूंदा छूंदा है, देख रहे हो, ये देखो हल्का मसालेदार है, मस्त है। ऐसे भाई बोटी दी नहीं आपने? भाई बोटी बहुत कम खाता हूँ यार, हम वो लोग हैं जो उनवान देख के, सब्जेक्ट देख करके नीचे का मजमून नाप भाप देते हैं। और ये है बिरयानी। काशिफ बिरयानी कैसी है? पेश करता हूँ, मुश्किल होगा बताना कि बिरयानी अच्छी है या पुलाव अच्छी है। बिल्कुल बहुत दमदार है, जो पुलाव का जो जायका है वो अपनी जगह पे है और बिरयानी का जो जायका है वो अपनी जगह पे, दोनों जबरदस्त, मस्त, बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त है। अयाज भाई आपने पहले भी एक्सप्लोर किए थे ये? हाँ। तो हम लोग जोगेश्वरी की सीरीज कर रहे थे, अयाज भाई ने मुझे कहा कि बोले शावरमा कहाँ पर बेस्ट मिलेगा,
तो जहाँ पर मैं भी आपको लेके आया हूँ ना यस भाई, इससे बेस्ट जगह आपको शोरमा नहीं मिलेगा पूरे योगेश्वरी के अंदर। एंड यही थे जो फर्स्ट जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था शोरमा योगेश्वरी के अंदर। मैं समझता हूँ कि अब शोरमा की योगेश्वरी के अंदर 2500 दुकानें होगी, लेकिन सबसे शुरुआत में जो जैसे शुरू हुई है और मैंने खुद इस शॉप को एक्सप्लोर किया है, वन ऑफ द बेस्ट शोरमा इन योगेश्वरी अली भाई की है। जैसे कि उन्होंने वो वाले वीडियो के अंदर भी किया था, उसका लिंक आई बटन के अंदर है कि ये अगर आप डेली यहाँ पे एक शोरमा खाने आओगे तो ये तकरीबन ये 2 महीने खिलाएंगे, मतलब 60 से ज्यादा वैरायटी इनके पास। दिन पहले मैंने खुद ने भी यहाँ पर खा के गया। अच्छा, आपने कभी सुना है प्राउन्स शोरमा? नहीं सुना ना। आज हम लोग यहाँ पे प्राउन्स शोरमा जो है झींगा शोरमा उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो चलिए कैसा बनता है वो दिखाते हैं। ये देखिए ये दोस्तों, ये है प्राउन्स आ चुका है। ये तो चिकन शोरमा आपने जगह जगह पे देखा होगा, लेकिन प्राउन्स शोरमा आपने कहीं नहीं देखा है, मेरा चैलेंज है। ये देखिए यहाँ पे ये अभी इसको कटिंग हो रहा है, ये प्राउन्स को इन्होंने फ्राई करके लाया हुआ है। अब ये प्राउन्स को इसके फीटा ब्रेड के अंदर ये भरा जा रहा है। प्राउन्स शावरमा, और ये रहा इसके अंदर इतना सबसे अलग और सबसे हटकर है। सबसे हटकर के नॉर्मली लोग खाते ही है, बराबर है, पर ये प्राउन्स वाला है। ये प्राउन्स वाला है और साथ में गोटी सोडा, गोटी सोडा का मजा, तीन तीन चटनी, और ये इसको खोलने का आहा हा। और ये देखिए छोटी, ये जो बॉटल के अंदर भी है, प्लास्टिक के अंदर भी है, तो इसको यहाँ पे ले करके, ये स्पाइसी वाली चटनी, ग्रीन वाली। वाह, आपको हर गली हर नुक्कड़ पे आपको शावरमा की दुकान मिल जाएंगी, मुंबई की बात बता रहा हूँ। लेकिन आप अगर ओवरऑल अगर कि मुंबई के अंदर एक अच्छा शावरमा खाना चाहते हो तो आपको जोगेश्वरी के अंदर अरबियन डिलाइट के अंदर आकर के ट्राई करना पड़ेगा। आप बताओगे? अरे एक नंबर यार, मैं उस दिन शूटिंग के लिए आया था, मैं तो उस दिन शूटिंग के लिए आया था, खाते रह गया था। बहुत क्वालिटी वाली, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। एक हाथ में शावरमा, एक हाथ में गोटी सोडा। प्राउन्स भी इतना ताज़ा है, फ्राई करके उन्होंने प्राउन्स को फ्राई करके बनाया। सऊदी अरब के अंदर क्या रहता है, जब मैं अलमराई में था तो और दोपहर के टाइम पे भूख लगती थी तो हम क्या करते थे, फटाफट खाने के लिए जोर के जब अजान होती थी तो वहाँ पे सब दुकानें बंद हो जाती है जब अजान होती है, तो हम उससे पहले ही मतलब ये ले लेते थे, मतलब ये एक शावरमा ले लिए, एक पेप्सी ले लिए, कोक ले लिए, फटाफट खाए, वजू किए, नमाज पढ़े, जोर वापस ड्यूटी पे, तो इस तरीके से काम रहता था। अयाज भाई, आपने जोगेश्वरी कवर किए थे पहले, एक वीडियो देखा था आपका, हाँ, एक रोल का जिक्र किए थे, क्या है वो? एक्चुअली वो रोल जो है वो अब हम ये समझ सकते हैं कि दूसरे तरीके का, मतलब शावरमा तो नहीं लेकिन दूसरे तरीके का शावरमा है, और यकीन जाना वो 712 के अंदर किया था मैंने, और वैसा वाला रोल जो है मैंने आज तक जोगेश्वरी तो क्या पूरे मुंबई में कहीं पे भी नहीं खाया, हालांकि उससे अच्छे अच्छे मैं खाया भी हूँ दिल्ली वगैरह में, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो रोल है जो एक नंबर था और बहुत जबरदस्त था। मुझे भी बस टेस्ट करवा दो फिर, वो मुझे भी दीवाना बना, जैसे आप दीवाने बने हुए। तो चलो फिर जाते हैं 712 के अंदर और वो रोल देखते हैं। मतलब अयाज भाई इतनी तारीफ की ना आपने इसकी, मेरे से रहा नहीं जाता। अच्छा बताओ अब इसका, हाँ, चिकन टिक्का मारो, चिकन टिक्का मोया रोल, चिकन एग रोल। तो फिर काशिफ बिस्मिल्लाह करो, इसकी जो सजावटी बता रही है कि इसका जायका कैसा है। ये मोया रोल, हाँ, मोया रोल खा के बताओ काशिफ कैसा लगा। बेहतरीन, बहुत ही जूसी। कैसा लग रहा है? जबरदस्त जबरदस्त ना, एकदम जूसी 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 है। ये रोल की खासियत ये है कि अतराफ में ना बहुत सारे हॉस्पिटल वगैरह हैं, और ये इनका है 712 जो है, ये फिलहाल क्लाउड किचन है, बहुत जल्द रेस्टोरेंट में होने वाला है, इसका डाइनिंग का भी सब बन रहा है, 8-10 दिन में शुरू हो जाएगा। लेकिन इस रेस्टोरेंट के जो फूड है ज्यादा करके जो है वो डॉक्टर्स नर्सेस और जो हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट है ना वो लोग देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग बहुत अच्छी क्वालिटी, पाम ऑयल ये लोग यूज नहीं करते, सनफ्लावर ऑयल यूज करते हैं, और हाइजीन का ख्याल रखते हैं, और पूरा हैदराबादी फूड है इनका, उसमें कोई इनका हाथ नहीं पकड़ सकता। कैसा लगा? अयाज भाई जैसे आप दीवाने थे ना इस रोल के, वाकई मुझे भी आपने दीवाना बनाया। इस रेस्टोरेंट को मैंने 2 बार एक्सप्लोर किया है, एक बार मैंने जब इनिशियली दिनों में जब थी तभी, और अभी रमजान में। लेकिन इनकी तो ऑलमोस्ट सब चीज डिश तो अच्छी है, क्वालिटी हाइजेनिक हर चीज़ का लोग ध्यान रखते हैं, मगर ये वाला जो रोल है ना वो मुझे याद रह गया था। तो मतलब जोगेश्वरी की बात आई और जोगेश्वरी के ताल्लुक से अगर वीडियो बनाए और अगर हमने अगर इस डिश को शामिल नहीं किया ना तो हम हमारे फील्ड के अंदर ईमानदारी वीडियो नहीं रहेगी। इसके लिए मैंने बोला कि इतनी सारी आइटम है हम इसी को एक्सप्लोर करेंगे। ईमानदारी हमने पूरी निभा दी अच्छे तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। अयाज भाई आपको इतना गरम गरम खिला दिया, अभी ना मेरी जिम्मेदारी आपको कुछ ठंडा खिलाने की या ठंडा पिलाने की। जी बिल्कुल। तो अब ना आपको मैं पिलाने वाला हूँ मैंगो शेक।
ओके बहुत ही बेस्ट क्वालिटी वाला मैंगो। अच्छा नॉर्मल आपको मैंगोज मिलेंगे 10-15 रुपए वाले, ये वाला आइटम नहीं है, क्वालिटी वाला है, बहुत ही प्रीमियम। तो ये जो मैंगो जूस या मैंगो का जो आइटम खिलाने वाले हो, ये अपन ये समझ के चलना कि ये जोगेश्वरी के अंदर वन ऑफ द बेस्ट है। बेस्ट सुपर A1 है ये। अच्छा बेस्ट है। चलो ठीक है, चलो ठीक है। ये है ना मैंगो विद आइसक्रीम है। मैंगो विद आइसक्रीम, विद आइसक्रीम ये स्ट्रीम है पहली बार मुंबई में विद आइसक्रीम मैंगो 50 रुपए में। अच्छा सिर्फ 50 रुपए की? 50 रुपया। ओके और ये? ये मसमिलन क्रीम। मसमिलन क्रीम ओके, आप टेस्ट करो और बताओ। महेश भाई का फेवरेट ही लगता है मैंगो। मैंगो स्ट्रॉबेरी सिप मारना पड़ेगा। आप सिप मारो ना भाई, सिप मारेंगे तो नीचे बैठ जाएंगे। ये ना महेश भाई क्वालिटी वाली चीज एक नंबर, खाली 50 रुपीज में। ये भी 50 रुपीज। दोस्तों ये कोई मजाक नहीं है, सिर्फ कीमत इसकी 50 रुपया है, जिसके अंदर आपको शाम मिल रहा है और उसका इस तरीके का इस पूरा स्टफ देखिए। ये देखिए स्टफ देखिए, ये देख रहे हो मैंगो चंक से विद आइसक्रीम है। आइसक्रीम क्वालिटी वाली इसकी ना भाई। सही, आपने मुंबई में ना मेरा टॉप कैटर के अंदर कभी ना कभी जूस पिया रहेगा भाई। मुंबई के जितने बड़े कैटरर्स हैं सबके साथ अपना काम होता है। मतलब कैटरर्स में भी आप सर्विस देते हो अपनी? अपना कैटरिंग के अंदर 20 साल से सर्विस है। ये एक्चुअली जायका तो बहुत अच्छा है, लेकिन जायका इसके लिए और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है कि इसकी कीमत जो आपने रखे हो बिल्कुल वाजबी है। 50 रुपए के अंदर ऐसा लग रहा है कि कोई मजाक कर रहा है। मतलब ये 50 रुपए के अंदर स्ट्रीम में पहली बार मुंबई के अंदर कोई ऐसा खिला नहीं सकता। आज की जो सीरीज थी काशिफ की और मेरी, ये हम दोनों का कोलैबोरेशन के अंदर दूसरा वीडियो है। पहले महावीर नगर का था और आज जोगेश्वरी में, चूंकि काशिफ खुद पीछे ही रहता है जोगेश्वरी में रहता है, तो हमने वो स्टेप लिया जो चीज जो एकदम मोस्ट पॉपुलर थी, जो बहुत अच्छी थी, जो मतलब हम चाहेंगे कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो यहाँ पर आए और इस चीज के जायके के दीवाने, इस चीज का वो भी तजुर्बा ले। इसके बाद का भी क्या करेंगे? इसके बाद का बता दूं, सरप्राइज खोल दूं यहाँ पर अभी? नहीं नहीं नहीं, फिर सरप्राइज रहने देते, वो ज्यादा अच्छे रहेंगे। इसके बाद में भी हम दोनों की सीरीज और भी आएगी, लेकिन आज जो जो मैं वीडियो एंड करने से पहले मैं काशिफ से भी मैं पूछना चाहूंगा। काशिफ आज जो जो हमने जो तजुर्बा किया है, चाहे हमने सीख का किया हो, चाहे हमने शावरमा किया हो, चाहे हमने रोल का किया हो, चाहे ये फ्रूट जूस का किया हो, मैं समझता हूँ, मैं ये एग्री हूँ 100% कि ये हमने ना जोगेश्वरी का बेस्ट हमने बेस्ट किया है। मतलब ये ऑप्शंस बहुत है, पर उसमें चुन के जो बेस्ट था वो लेके आया। काशिफ ने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे बहुत सारे ढेर सारे ऑप्शन है, आप जहाँ जाते हो जायकों के तलाश के अंदर आप जाइए, लेकिन हमने ये बेस्ट जो चुन करके आपके सामने लाए हैं, ये हमने खुद जो है जोगेश्वरी स्ट्रीट फूड सीरीज के अंदर ये बनाया है। तो चलिए अबे हम दोनों को इजाजत दीजिए जोगेश्वरी की सरजमीन से, बहुत जल्द नई जगह पर दोबारा आपके सामने रूबरू होंगे। खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। अगर आपको हमारे हम दोनों का काम अच्छा लगता है तो मेरा चैनल नुक्कड़ एक्सप्रेस और काशिफ का भी, फूडी काशिफ का भी जो यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करके मोहब्बत का नजराना दीजिए। अल्लाह हाफिज़।